पुनर्बार प्रयास कर संभव नुहे मुसबू यज्ञ पश्चात पूर्ण करी भूली जाओनी सती मु आदिशक्ति सहित ही यज्ञ को जीवि दक्ष मो पुत्र मु बुझेबी अहंकारी कही पिता न था ब्रह्मदेव अहंकारी मनुष्य सबु संबंध को भांगी देता है मु आपन को आदेश देउछि जे आपन कणखेले क्षेत्र छाड़ी जाई परिबे नाही आपन को आदेश शिरोधार्य सती को बिना ए परिवार संपूर्ण किपरि हेई परिबो स्वामी तमे केवल यज्ञ उपरे ध्यान केंद्रित कर तुम हट को बाधा दबार इच्छा नहीं मोर स्वयं ताहा को बुझे जाओ सती सेथिरे ही तुम्हारा श्रेय फेरी आस सती अनुपस्थित यज्ञ प्रारंभ करने को चाहते पिताश्री कौन यह संभव कदापि नुह देखु मुसी बिना निमंत्रण भी आसी जा केवल इतिक नवेदन अच्छी मो स्वामी को भी निमंत्रण पठी दियंतु खबर नियो जे मो आदेश को किए उल्लंघन करी छी मु कही थिली जे बिना निमंत्रण रे एटी केही प्रवेश जेमिते न करंती
दत्ताश्री सी आपण चरण स्पर्श न कर आपण को आशीर्वाद दे आपण को अपमान कर हितरे थिला सी महादेव अटंती पूजनीय निज कृतिर चरण स्पर्श किपर करपण को महापापर बचाई पिताश्री यज्ञ विलंब हेउछि यज्ञ आरंभ करंतु सी कौनसी मर्यादार उल्लंघन करिनांति पिताश्री माता माता आपण पिताश्री को बुझंतु ना पूरा सृष्टि जो प्रेम को पाइबा पई अभिलाषित महादेव द्वारा आपण पुत्री को प्राप्त पावन बेलरे महादेव अनुपस्थिति नहीं नहीं संभव नुहे मो पिताश्री मो सहित प्रजापति दक्ष आदेश अच्छी यज्ञ आरंभ करा जाऊ आपण को हित को अटकई पार यह मोर शेष प्रयास पिताश्री बारंबार मते पिता संबोधन करी मोर अपमान कर नाही कन्या क्षण फेरी आस सती रुह ना से तुम पिता दुर्भाग्य डाकुचि दुर्भाग्यर भोग तुम्हें हुआ ना फेरी आस सती ज्ञान तो ना से कौन कहते से मूर्ख को क्षमा कर दि सती से दुर्बुद्धि को क्षमा कर दे फेरी आस सती फेरी आस सती सदस्य आपण माने मो पिता कथा सुनी क्रोध करंतु नहीं मो पिता मो ऊपर क्रोधित अछंती केउ पिता निज पुत्री ऊपर क्रोध करंती नहीं तंको इच्छा विरुद्ध रे जाई मो विवाह करिछि परंतु मु तंकर पुत्री तंकर रुष्टता यह कहुचि जे ये मते केते प्रेम करंती दक्ष प्रजापति पुत्री तंक यज्ञ विघ्न घटेबा को आसी नहीं पिताश्री मु फेरी जीवे पिताश्री मु फेरी जीवे भूल मोर थिला सी मते कहुथिले जे पिताश्री निमंत्रण करि नहंती तुमे जाओ नाही सी एह भी कहिथिले जे जदि सी एठा को आसीबे तेबे क्लेश सृष्टि हेबो आउ एही यज्ञर शांति भंग हेबो
आउ मो पितांक यज्ञर शांति भंग हेउ। एक कथा ना मु चाहुचि ना मोर महादेव। माता आज जड़े पुत्री ता पितालय को आसीथिला। गोटे पुत्री विवाह परे प्रथम थर निज पितालय को आसीथिला। मते क्षमा कर दियो सती, मते क्षमा कर दियो। नहीं माता नहीं, क्षमा तो मु मागिबा कथा मो महादेव को पाख को फेरी जाए। तंको चरण रे पड़ी प्रार्थना करिबे जे मते पूर्ण निज हृदय रे स्थान दे दियंतु। मु तांको अनेक दुख देछि माता, एठा को आसीबा पाई तांको अपमानित करिछि। मु केते दुष्ट माता, मु केते दुष्ट। गोटे पार्श्वरे निज पितांकर सम्मान को आघात देछि, आउ अन्य पार्श्वरे महादेव को अपमानित करिछि। जाऊची माता, सती मो जाऊची। चलो नंदी, शीघ्र एठू चलो। रुह सती, सही भंड ठारु मिछ अभिनय तमे भल भावरे सिखी जाइछ। ते गोटे प्राचीन कथा अछि, नीच मानक संगति रे उच्च कोटीर लोक माने मध्य नीच परिव्यवहार करबा आरंभ करंती। बास स्वामी बास, मु आपन को विनती करूछि, से जाउ छंती तांको जीवा को दियंतु। स्वामी तांको जीवा को दियंतु। प्रजापति, काहीं की काल को स्वयं डाकुछंती आपण प्रजापति? काल आउ महाकाल, आज दि जण चाकर होउछंती मो निकटरे, आउ आज तो भगवान विष्णु भी मो सहित अछंती। से अघरी मोर कौन करी परिबो? पसंद विचरण करिबा वाला सही मूर्ख,
गोटे पुत्री रो दायित्व होई थाए जेसे तार पिता आउ ता परिवार रो सम्मान एवं शांति को रक्षा करू आपणंक सम्मान आउ ए यज्ञ रो शांति हेतु मु एठारु जीवा पई निर्णय नै छी ओ ताहले आजि तुमको तुम पितांकर मान सम्मान और प्रतिष्ठार चिंता होउची सेदिन कोठी थिला तुमर ए चिंता जेतेबेले तुम जीवन दर्शन आउ मो सम्मान रो अनादर करी से अवधूत को विवाह करी थिलो कोठी थिला तुमर चिंता जेतेबेले शिवंकु तुम निजर जीवन साथी भावे बाछि नै थिलो सर्वदा मु मो पवित्र समाज ठारु से शिवंकु दूरे रखिछि जदि तुमर मोर चिंता थांता ताले तमे सही अघरी से भिक्षा गण उपरे बंचुथिबा मूर्ख को मो जीवन रे आउ मो संस्कृति रे इमिति भावरे नेकी आसिन थांत कौन चिंता करे को अपेक्षा रे तमे ठिकी चली आसिलो जे तम अनुरोध रक्षा करी मो सही पासांड को निमंत्रण करिबी ता सम्मुखरे हाथ जोड़ीबी प्रणाम करिबी आउ मो जामाता मते आशीर्वाद देबे रही चांत पिताश्री रही चांत आपणक सम्मान रक्षा करी मु मो पुत्री धर्म को पालन करिछि एबे पत्नी धर्म चकु मु तांक सम्मान और प्रतिष्ठा को नष्ट होबा को देबे नाही आपण तांकर अपमान करि परिबे नाही आउ आपण समस्ते समस्ते मौन कहें कि कौन मो महादेवंकर अपमान आपण समस्तंकर अपमान नुहे संसारे चर चर जगत अजगत सब ब्रह्म विष्णु महेश्वर हाथ में तेज आपण सम्मुखे महादेव अपमान अनुमति किपर आज मु उत्तर अपेक्षा अच्छी पितामह मत उत्तर दिंतु जो सभा महादेव अपमान हो सेठी आपण आहुति नबा को कहि के उपस्थित अछंती ना आपण कर उत्तर दायित्व पुत्र प्रेम आगरे पराजित हे गला हां पुत्री सती पराजित होई जाय छंती तुम पितामह आज स्वयं सृष्टि करथिबा नियम आगरे मु बांधी होई जाय छी पुत्री बांधी होई जाय छी महादेव जाणी केते थर ना केवल मोर एमिती कि तुमर ए मूर्ख पितांकर प्राण को भी रक्षा करिछंती ब्रह्मांक सृष्टि जदि संपूर्ण अछि ताहाले केवल महादेवंक पाई पुत्री केवल महादेवंक पाई एमिती केहु नियम अछि पितामह जहा को आपण भांगी परिबे नाही एही नियम बीत अभिशाप होई जाय छि पुत्री जेते बेले पुत्र निज परिवार दायित्व को बहन करिवारे सक्षम हो जाए सेते बेले ताकु परामर्श दबार अधिकार तो अछि हेले ताकु मानिबा न मानिबा
दक्षंक उपरे निर्भर करे। एतिक ही मु बुझेइछि पुत्री, हेले दक्षंक अहंकार तांक विवेक आउ बुद्धि को नाश करि देछि। विवेक बुद्धि आउ ज्ञानर देवी तो आपण ना, तेबे आपण अंकुश काहिंकि लगेइले नाही? मो महादेव को तो सर्व वेद ज्ञातर उपाधि आपण देइछन्ति। आजि जेतबले भरा सभारे तांकर अपमान हेउछि, ताहले आपण मौन काहिंकि अछन्ति? वेद कोण समस्त ज्ञानर एकमेव आधार हेउछन्ति दक्षिणामूर्ति महादेव। परंतु जेउठी यज्ञ हेउछि मते सेठी उपस्थित रहिबाको ही अवसति। मोर इच्छा थाओ बा न थाओ मते क्षमा करि देबे साथी। मोर अनुरोध आपण पुनश्च कैलाशकु फेरी जान्ति। एबे मु फेरी कि जीबि नै, जहांकु सारा सृष्टि पूजा करन्ति तांकर एपरि अपमान करा जाउछ, आ आपण समस्ते मौन अछन्ति। एई मौन रो एई अपमान रो मो सहित मो महादेवंक सहित किछि संपर्क अवश्य अछि। जने भगवान आउ जने मणिष मध्यरे एमिति को प्रेमर डोरी अछि जहाँ को स्वयं विष्णु मध्य समाधान करि परिबे नहि। नारायण आपण तो सर्वज्ञ, आपण मो प्रश्नर उत्तर दियंतु। बस सती बस, बहुत ही गला। तमे तम मर्यादार उल्लंघन करुछ। तमे कौन भावुछ जे मो नारायण दक्ष किन्नर मानव असुर नाग आदि এই যজ্ঞরে ভাগ নেবাকু আসিছন্তি, তো কেবল আউ কেবল মো স্নেহ কারণরু। তুমি কোন ভাবুছ যে পিতামহ ব্রহ্মা আর ভগবান বিষ্ণু যজ্ঞ ভাগ লোভরে বসি রইছন্তি? সে অর্ধ নগ্ন ভিখারীর মোহরে তুমি এতিকি বি ভুলি যাইছ যে তম পিতা এ সংসারকু সম্পত্তির সজন করিবা শিখেইছন্তি। আউ এথিপাই ব্রহ্মদেব আউ ভগবান বিষ্ণুকু দক্ষর যজ্ঞর উপস্থিত রহিবাকু পড়ুছি। দেবতাঙ্কু যজ্ঞ ভাগ স্বীকার করিবাকু পড়িথায়। ଆଉ ଆଜି ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ମୋ ସହିତ ବଚନବଦ୍ଧ। ତମର ସେଇ ପାଷାଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ନାହାନ୍ତି। ସେତିକି ଥାଉ ପିତାଶ୍ରୀ, ସେତିକି ଥାଉ। ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା, ପରନ୍ତୁ ମୋ ମହାଦେବ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ। ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ଏତେ ବର୍ଷ ଏଠି ରହି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିନାହିଁ, ତାହା ମହାଦେବଙ୍କର କିଛି କ୍ଷଣର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପିତାଶ୍ରୀ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଏ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି, ତାହେଲେ ତାହା ଲୋଭ ଆଉ ମୋହକୁ ବି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି।
धनर संग्रह जदि आपणक तयार होइतिबा नियम तेबे से उठु ही चोरी रो कला आजि तमे तम पितार संस्कृति को चोर कहुच सही संस्कृति को जिए तुमको ज्ञान देइछि जिए तुमको भाषा देइछि जिए तुमको संस्कार देइछि आज सही संस्कृति को तुम चोर कहुच सही निर्लज सहित संसार करी तमे मध्य निर्लज हो जाइछ तुमर से निर्लजतार प्रमाण हेउछि तुमर ठीक आसीबा मो पाई तो तमे से दिन मरी जाइथिलो जो दिन तमे शिवंकु वरण करिथिलो मरी जाइथिबा मनुष्य को निमंत्रण पत्र पठा जाइ नथाय उपस्थित थिबा सबु देवी देवता गण आपणक मध्यरु कहारी कुबी महादेवक अपमानरु मुक्ति मिलिबो नै मु मोर महादेवक प्रणाम करी स्वयंकु एही देह को ए अग्नि कुंडरे एही क्षणी भस्मीभूत करूछि रही जाओ सती
ଅଛନ୍ତି ମୋ ସତୀ, ମୋତେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ତାଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବଚନ, ଯଦି ସେଠାକୁ ଗଲେ ମୋର ଅହିତ ହେବ ତେବେ ଆପଣ ମୋର ଅହିତ ହେବା ପରେ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନିୟମ ରହିଲା। ସତୀ ସତୀ ସତୀ, ସେହି ବଚନ ମୋ ସତୀଙ୍କୁ କେବଳ ବିଭତ୍ସପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବ। ହରି ଦେବୀ ମୋ ସତୀଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଏ ଜଗତ ତୁମକୁ ଅନୁସରଣ କରେ, ଏଇ ବ୍ୟବହାର ଆମ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋଭନୀୟ। ଆଉ ଯାହା ସତୀଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି ତାହା କ'ଣ ଶୋଭନୀୟ? ଯେଉଁ ଅପମାନ ସତୀଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି ତାହା ମୁଁ କଦାପି ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆମେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବନ୍ଧିତ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି। କେଜାଣି କେତେ କଳ୍ପରୁ କେତେ ଜନ୍ମରୁ ସତୀ ମୋଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇ ରହୁଥିଲେ। ଏଇ ଅଲଗାପଣ ନିୟତି, ସତୀଙ୍କୁ ମୋଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ହେବ। ଦାୟିତ୍ୱ ବୈରାଗୀ ଶିବଙ୍କର, ହେଲେ ପ୍ରେମ ଶିବଙ୍କର ନୁହେଁ। ଯଦି ମୋ ସତୀଙ୍କର ଅନ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବନାଶ। ଅଂଶକ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ସତୀଙ୍କୁ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଅଖଣ୍ଡ ଯୋଗ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତୀ ଆଦିଶକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସତୀଙ୍କର ଶରୀର ଦୁଃଖ ଓ ଅପମାନର ଚରମ ସୀମାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଯଦି ଆଦିଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରୟାସ ହେବ। ଯଦି ଏହି ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ। ତମର ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମହାଦେବଙ୍କୁ କେତେ ପୀଡ଼ା ପହଞ୍ଚାଇବ ଏହାର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ତମର? ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅହିତ ହେବ ସତୀ। ଆମର ଯଜ୍ଞକୁ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ସେଠାକୁ ଗଲେ କେବଳ ଅହିତ ତୁମର ହେବ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ କୁଳର ଇଷ୍ଟ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପାଳନ ନ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ। ପରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅହିତ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯାଏ ତ ସେହି ଅହିତରୁ ମୋତେ ମୋ ମହାଦେବ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ପରନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଅଲଗା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଇଁ ଏକ ହେଇପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହାନ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏ ତୁଚ୍ଛ ଶରୀରରେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏ ଶରୀର ତ କେବଳ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଈର୍ଷାରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି। ଏ ଶରୀର ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ପରିଚୟ ଅଛି
ତାହା ମୋ ଶିବଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟ। ଶିବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷାୟଣୀ ହେବାର ଉପାଧି କଳଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ। ଏହି ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କର ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ରୂପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛି। ପରନ୍ତୁ ସୀତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ପୂଜ୍ୟ ସେତିକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୀତାଙ୍କର ରୂପ ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ରୂପରେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ମୋ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି? ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ପିତାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ, ଯିଏ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଏ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ନିୟତିକୁ ଜାଣିବା ଆଉ ତାକୁ ଘଟୁଥିବାର ଦେଖିବା, ପରନ୍ତୁ ଅଟକେଇ ନ ପାରିବା, ଏହା ଆମ ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଅଟେ। ଦକ୍ଷ, ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ନାରାୟଣ, ମୋ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ ବଚନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ମୋର ରକ୍ଷା କରିବେ। କୌଣସି ବି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯିବି ଦକ୍ଷ। ଦକ୍ଷ, ପାରିବ ଯଦି ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଅଟକେଇ ଶୂଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ତମର ପିତା, ଏହା କହିଥିଲ ନା ତମେ? ଝାସ ଦିଅ, ଯଦି ତମ ଭିତରେ ସାହସ ଅଛି ତାହେଲେ। ଦକ୍ଷ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତମର ମତି ଭ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି। ତୁମେ ତୁମ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଡେଇଁବା ପାଇଁ କହୁଛ? ସିଏ ତୁମର ପୁତ୍ରୀ ହେବା ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ମଧ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ତ ତାଙ୍କର କଳଙ୍କ ଯେ ସେ ମହାଦେବଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତ କ'ଣ ପଶୁ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ରହିଛ ପ୍ରଜାପତି, ରହିଛ। ମହାଦେବ, 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 ଧ୍ୟାନରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ ମହାଦେବ, ସମାଧିରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ, ଅନର୍ଥ ହେଇଯାଉଛି ମହାଦେବ, ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ।
महादेव माता सती बचा तु चक्यु कल तु प्रभु कौन करमी जाग्रत करी मो प्रभु को प्रभु चक्यु कल तु चक्यु शांत हो जाओ नंदी मु सब जानी महादेव ध्यानस्थ अच्छा स्वयं सहित युद्धरत अच्छा नंदी निज प्रिय को पाइबापी भगवान मनुष्य तो हो पारे हेले नियति को बदल पारे ना देवर्षि आपण कौन कह चाहते जदि मो माता किसी हो महादेव को कौन उत्तर देवी मो महादेव मत माता रक्षार दायित्व दे नंदी महादेव अंतरात्मा रे सती प्रेम एते गभीर भाव रही जाइछि जे सती प्रेम महादेव मनुष्य न हो जातु त्रिमूर्तिर दायित्व बद्ध अच्छा शिव जदि सती न रहंती तबे त्रिमूर्तिर भी अंत हो ब्रह्मा विष्णु तो थिबे परंतु महेश्वर नथिबे एक कथा कल्पना मात्र के मो मन कंपी उठुछे जे शिव विहीन त्रिमूर्ति केमिति हबो देवर्षि आपण को त्रिमूर्ति पै चिंता हेउची एले मते मते मो मातांकर चिंता प्रभु चक्यु कलंतु ना मो माता को अटकांदु प्रभु देवर्षि आपण मते एया कहंतु जे जे मो महादेव ध्यान रु बाहर को आसीबे ना नाही एबे केवल प्रलय ही महादेव को ए ध्यान रु बाहर को आनी परिबो आउ प्रलय आसुछि नंदी मते प्रलय रो ध्वनि स्पष्ट शुभुछि नाही जदि मो महादेव ध्यान रु न उठिबे ताले बुझिबे यज्ञ स्थल को मुझे मो माता को अटक करी चेष्टा करी माता माता नाई नंदी ए प्रलय को बाधा देवा कहा आयत जीवित रहिबार आउ कोनोसे अधिकार नाही आज मु बुझि पारुची जे दक्षयणी हेबा मो पाई केते बड़ा अभिशाप एही अभिशाप रु मते मुक्ति हेबा को पड़िबो नष्ट हेबा को हेबा ए देह को नष्ट हेबा को ही पड़िबो